अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक की तरफ मैं चलता हूँ कि दोस्तों, खाली पेट पानी पीने से आपके शरीर को क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है। इस मौजू पर हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो आज आपको हम फराहम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठकर खाली पेट पीने के बहुत सारे फ़ायदे या बहुत सारी चीज़ें के आपने सुने होंगे, लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि मेडिकल साइंस में जो बात प्रूव होती है या जो बात सही होती है, उस बात ही को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सेहत से जुड़ी कोई भी बात हम गलत बात दूसरों को नहीं बता सकते। अब मेरी ये वीडियो आप पूरी तरीके से देखिएगा। आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगा कि यकीनन जिसे आप जो है सुनकर चौंक जाएंगे, या भी वो बात मैं बीच में भी बता सकता हूं, लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी है, इसलिए कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, खाली पेट पानी पीने से फ़ायदा क्या होता है और क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले उनको गिना लेते हैं। आप तो जानते हैं कि कुदरत का पानी जो है बहुत ही अनमोल तोहफा है। गर्मियों में अगर पानी का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, आपको धूप से बचाता है, आपकी जो त्वचा है, स्किन है, अच्छी रखता है, मेटाबॉलिज्म यानी पेट का मामला आपका दुरुस्त फुरुस्त रखता है। और ये पानी ही है जिस पर इंसान की ज़िंदगी टिकी हुई है, और अल्लाह के और ईश्वर के और गॉड के तरफ से ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसका कोई तोड़ नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उन फ़ायदों की, लेकिन फिर आखिर में मैं एक ऐसी बात आप बताऊंगा, शायद हो सकता है कि उस पर बहुत से लोगों के कुछ कमेंट आए, लेकिन कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बात मुझ तक सही पहुंचती है वो बात मैं आप तक पहुंचाता हूं। नंबर एक, पानी पीने खाली पेट पानी पीने का जो फ़ायदा है वो सबसे पहले है शरीर की सफाई। सुबह सवेरे खाली पेट पानी पीने से शरीर की बेहतर ढंग से सफाई हो जाती है, और शरीर की सफाई से मतलब यह है कि पानी पीने से शरीर में मौजूद हानिकारक और जहरीले तत्व पसीने और मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नंबर दो, पेट के लिए फायदेमंद। सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना आपके पेट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा करने से आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी, यही नहीं आंतों में जमा मल आसानी से निकल जाएगा, पेट साफ होगा तो आपकी भूख भी खुलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। सुबह उठकर एक से दो गिलास पानी पीना चाहिए। पानी पीने से शरीर के सारे अंदरूनी अंग फिर से एक्टिव हो जाते हैं। नंबर तीन, वजन घटाने में बहुत ही ज्यादा मददगार है। खाली पेट पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी और बेहतर ढंग से हजम हो जाता है। इससे आपका वजन कम होने लगता है। अगर आपका पेट जो है फैटी है या पेट पर आपके ऐसा है कि चर्बी लगी हुई है, तो ये सुबह उठकर आपको फिर गर्म पानी पीना चाहिए। हमेशा याद रखिए, नंबर चार, सिर दर्द और टेंशन की छुट्टी। यानी सुबह उठने के बाद अगर आप सबसे पहले पानी पीते हैं तो दिमाग में ऑक्सीजन की बेहतर सप्लाई होती है। ऐसा करने से दिमाग दिन भर एक्टिव और फ्रेश रहता है। यही नहीं, दिमाग से जुड़ी मांसपेशियों को तनाव मुक्त करने के लिए दिन भर बीच बीच में पानी पीना बेहद जरूरी है। पानी ना पीना भी सिर दर्द होने की वजह हो सकता है। अपने दिन की शुरुआत खाली पेट पानी पीने से करना चाहिए ताकि सिर दर्द से छुटकारा मिल सके। स्किन रहेगी, नंबर पांच जो फायदा है, स्किन रहेगी हेल्थी और फ्रेश। यानी स्किन की ज्यादातर समस्याएं बाहरी नहीं अंदरूनी होती है। कहने का मतलब यह है कि शरीर के अंदर जितने विशेषक यानी तत्व मौजूद होंगे, यानी जैसे शरीर के अंदर टॉक्सिन जो जमा होता है, वो त्वचा पर उतने ही दाग धब्बे कील मुहासे दिखाई देते हैं। खाली पेट पानी पीने से स्किन जो है वो अंदर से साफ होती है और ये हाइड्रेट होती है। इससे क्या होता है, स्किन पर ग्लो दिखती है और चेहरा खूबसूरत हो जाता है। नंबर सिक्स, बढ़ाएं इम्यूनिटी। यानी आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पानी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल पानी विशेषक तत्वों को बाहर निकालने यानी जो गंदा मादा है उसे निकाल देता है, जिससे शरीर के अंग हेल्थी और एक्टिव बने रहते हैं। इससे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है और शरीर ऐसा शानदार, ऐसा दुरुस्त हो जाता है
बहुत जबरदस्त। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है, पुराने हकीमों का कहना है, पुराने वेदों का कहना है, ये एक ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये सातवीं अहम बात मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको बात सुननी है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को खाली पेट पानी पीने से मना भी किया गया है। उसकी वजह यह है कि हर व्यक्ति का मिजाज अलग अलग होता है। अगर किसी का बलगम बनता है, किसी को खांसी होती है, तो बिल्कुल सुबह उठकर ठंडा पानी मत पिए, वरना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ठंडा पानी सुबह को पीने से ऐसे लोगों का बलगम बढ़ सकता है, कोई और दूसरी बीमारी खड़ी हो सकती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि सुबह चाय की तरह हल्का गर्म पानी को पिए, उससे फायदा हो सकता है। लेकिन जो लोग पतले दुबले हैं और बहुत ज़्यादा उनको जो है कोई कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है, कोई फैट नहीं है, और वो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सुबह उठकर गर्म पानी हरगिज ना पिए, क्योंकि उससे वो उनका दुबलेपन में इजाफा होगा। अलबत्ता जिनके पेट पर चर्बी है, जो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि बहुत फैटी हो जाते हैं, तो उनके लिए खाली पेट पानी पीना अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरी राय ये है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले किसी डॉक्टर से मशवरा करें, किसी हकीम से मशवरा करें। दूसरी बड़ी अहम बात ये आपको बता दूँ कि आप अपने जिस्म के लिए आप जो है कुदरती तौर पर उन सब चीज़ों को अप्लाई करें जो चीज़ें किसी एविडेंस के साथ हो। देखिए, ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन के लिए बनाई है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है 2-3 गिलास सुबह पानी पीना शुरू कर दें, बल्कि अगर आपको पानी पीना है तो आप आधा गिलास पानी पी सकते हैं, और फिर आप 1-2 दिन तक आप देखिए, अगर आपको उससे फायदा महसूस होता है तो फिर आप इसे जारी रखिए। अगर आप देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मान लीजिए आपको कोई ऐसा हो रहा है कि जैसे कि आपको लूज मोशन, यानी हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप इसे बंद कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी आदमी बताता है, तो काम करके आप उसको देखिए कि ये सब फायदा हो रहा है या क्या हो रहा है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो आपके लिए